नदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। महंगाव विधानसभा पर लगातार हमारी चर्चा जारी है और इस समय महंगाव विधानसभा से ऐसी शख्सियत पूर्व विधायक रहे रामेश्वर दयाल दात्रे, आज उन्हीं के परिवार से हमारे बीच जुड़ रहे हैं अमित दात्रे जी। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद राजा भैया जी। अमित दात्रे जी, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं महंगाव विधानसभा से, क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं टिकट मांग रहा हूँ। मेरा महंगाव विधानसभा में मेरे बाबा जी श्री रामेश्वर दयाल दात्रे, जो दो बार महंगाव विधानसभा से लगातार दो बार विधायक रहे थे और आज करीब हमारे परिवार को कांग्रेस में 40 साल हो गए। हम पारिवारिक कांग्रेसी हैं और बाबा के बाद बाबा ने जो सेवा की, अभी तक हमारे बाबा जी ने सेवा करी है क्षेत्र की जनता की, उसी हिसाब से उन्हीं के साथ मैंने कार्य शुरू कर दिया था सन तो 2008 से 2013 तक। आज 16 साल 17 साल का लंबा समय हमें भी हो गया है, तो टिकट मांगने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को। और मेरे घर में तो मैंने तो राजनीतिक परिवार में जन्म लिया है, शुरू से महंगाव की जनता की सेवा जो हमारे पुरखा, हमारे बाबा, हमारे पिताजी वगैरह करते आए, तो उसी को देखते हुए तो हमारे भी मन में सेवा भाव क्षेत्र की जनता के लिए रहा है कि हम भी सेवा करें, किसी प्रतिनिधि के रूप में करें, आम आदमी के रूप में करें। सेवा तो करते ही है, लेकिन यदि उसमें यदि हमें पार्टी मौका देती है या विधानसभा का टिकट देती है, चुनाव जीतते हैं, तो विधायक बनने के बाद और अच्छे बेहतर से हम क्षेत्र की जनता की सेवा कर पाएँ। अभी आप महंगाव विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया, कितने मतदाता हैं? हमारे विधानसभा में लगभग 2,69,000 मतदाताओं की सूची है लगभग। जी अमित दात्रे जी, इस समय महंगाव विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या परखी हैं आपने? सबसे ज़्यादा महंगाव विधानसभा में एक तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं भी जहाँ भी हॉस्पिटल हैं, वैसे तो हॉस्पिटल हर जगह नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है, महिला डॉक्टरों की बहुत कमी है और पुरुष डॉक्टर भी ज़्यादा नहीं है मात्रा में। जो कोई घटना हो जाती है, यदि थोड़ी सी भी गंभीर घटना होती है तो तुरंत डॉक्टर बोलते हैं कि आप बैंड ले जाइए या ग्वालियर ले जाइए। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज है ना, नर्सिंग कॉलेज है, कोई भी कॉलेज नहीं है। तो निश्चित तौर पर यदि मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं सरकार से और अपनी तरफ से भी कोशिश करके महंगाव में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या अन्य जो IIT कॉलेज वगैरह जिनसे लड़कों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो कॉलेज खोलने के प्रयास करेंगे। आपके बाबा श्री रामेश्वर, श्री स्वर्गीय रामेश्वर दात्रे जी, दो बार आप जैसा बता रहे हैं दो बार विधायक रहे हैं, तो उनकी उपलब्धि क्या रही आपके से? उस समय राजा भैया फंड बहुत कम आता था विधायकों पर। कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 1972 से लेकर 1977 और 1977 से लेकर 1980 तक। तो उस समय विधायकों को बहुत कम फंड मिलता था, लेकिन जिस अनुसार उन्हें फंड मिला या जिस अनुसार उनकी सेवा बनी, तो उन्होंने जैसे महंगाव में सरस्वती माता की जो मूर्ति है, जो प्रांगण है, जो सरस्वती स्कूल है, उसका उद्घाटन, उसकी आधारशिला हमारे बाबा जी द्वारा रखी गई। महंगाव के आगे आप चलेंगे 3 किलोमीटर तो उसके बाद एक नहर है बम्मा, जिसको बोलते हैं, तो उसको बम्मा को बाबा जी ने डलवाया, नाले खुदवाए। उस समय जरसाना का हाई स्कूल बाबा जी के द्वारा हुआ। ऐसी कई जगह रोडें, ब्रगवा की रोड बनवाई थी उस समय, बरासों वाली रोड बनवाई, ऐसे 18 हाई स्कूलों के बाबा जी मेरे अध्यक्ष भी रहे हैं। उसमें भिंडका आपका महारानी अवंती बाई, फूका रविन्द्रनाथ टैगोर, पोरसा के कुछ स्कूल थे। और हमेशा जो है विकास के लिए, पानी के लिए, किसानों की लड़ाई हमेशा बाबा जी हमारे लड़ते रहे। जब तक हमारे बाबा जी जीवित रहे तब तक पानी की समस्या हमारे और पास के किसी भी क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने बम्मा और नहरों पर पैदल चल के खुद मुआयना करके पानी तब तक चलवाते थे जब तक अंतिम व्यक्ति के खेत में पानी न लग जाए। महंगाव विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बिजली समस्या और बेरोजगारी समस्या, इसके लिए अमित दात्रे की क्या पहल है? पहले तो मनोज भैया मैं आपको ये बता दूं, सबसे बड़ी बात आपने बेरोजगारी की जो समस्या बताई, आपको उसका अंदाजा नहीं है। सिर्फ आप ये कह रहे हो बेरोजगारी, मैं ये कह रहा हूँ कि 80% युवा महंगाव विधानसभा से, भिंड जिले से बाहर काम कर रहे हैं। कोई कलर का काम कर रहा है अहमदाबाद में, कोई टिक्की बेच रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई जयपुर में काम कर रहा है। तो यहाँ गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, सारे युवा बाहर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। पूरे कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री कोई आती है तो भाई मालनपुर के लिए लग जाती है,
मतलब भिंड में अभी तक कोई इंडस्ट्री भिंड में या महगांव प्रॉपर में तो कोई पहुंची नहीं है। तो हमारा सोचना ये है कि जैसे यदि मुझे मौका जनता देती है और मुझे विधायक बनाती है, यदि पार्टी मुझे मौका देती है और जनता विधायक बनाती है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा आज की डेट में रेत का कारोबार है। आज के समय में रेत का कारोबार सबसे बड़ा है, तो उसमें पंचायतों की भागीदारी होनी चाहिए। पंचायतों की भागीदारी होगी तो उसमें मजदूरी भी मिलेगी लोगों को, वहाँ उनके ट्रैक्टर भी चलेंगे, उनके लोडर भी चलेंगे, उनकी मशीनें भी चलेंगी, जो भी है थोड़ा बहुत काम रोजगार उनको मिलेगा चाहिए। अमित दात्रेय जी, अभी हाल ही में हमने अभी इंटरव्यू किया था केपी सिंह जी का, केपी सिंह जी भदौरिया जी भाजपा के बड़े नेता है, बड़े बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम चुनाव पर अभी तक वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने का दर्द सामने आया तो उन्होंने बताया कि जब हम अपने छोटे कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है, एक पुलिस वाला उनसे बात करने के लिए ठीक तरीके से बात नहीं करता है, तो आपको लगता है कि भाजपा में किसकी चल रही है इस समय? निश्चित तौर पर राजा भैया, आप अभी से नहीं है, केपी सिंह भदौरिया जी का जो दर्द झलका है वो हकीकत झलका है, क्योंकि इनके कार्यकाल में, इनकी जब सरकार बनती है या इनके मंत्री या इनके विधायक, तो कोई भी अधिकारी तो छोड़ो कर्मचारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण थाने से पैसा आना है, इनका तहसील से पैसा आना है, इनका SDM से पैसा आना है, इनका हर विभाग से पैसा बंधा है, और जो व्यक्ति पैसा देगा वो इनकी काय को सुनेगा? तो कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो केपी सिंह भदौरिया जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर पर ही बिल्कुल सत्य कहा है। और जब आप समझ लो कि बीजेपी सरकार के जो कई पदों पे भी रहे हैं, और लोग बीजेपी पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी मान लो, उनका दर्द जब इसे हद तक पहुँच रहा है, तो आप समझो कि बीजेपी की पार्टी का जो कार्यकाल है या बीजेपी पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके का है, इससे आप उसकी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद का कार्यकर्ता परेशान है उनका। तो भाजपा सरकार में प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी हावी हैं इस समय क्या? भाई आप 40% कमीशन या 70% कमीशन जो ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? उसमें सबका शेयर जा रहा है, शेयर जाएगा तो वो निश्चित तौर पे वो कार्यकर्ताओं से, आम आदमी से, मजदूर से, किसान से, गरीब से, इन सब से खींचेंगे, पैसा खींचेंगे, वो खींच के अपना सिस्टम पेट भरेंगे और सामने वालों को भरेंगे, फिर वो निश्चित तौर पे हावी होंगे। भाई जिससे आप रिश्वत लोगे, निश्चित तौर पे कमीशन लोगे, तो वो आपको काय को आपको सुनेगा और क्यों आपके लिए दबेगा, ये बताइए। तो राजस्व विभाग में भी बहुत सी समस्याएं हैं, जनता देख रही है महंगाव विधानसभा क्षेत्र में, जब वो तहसील के चक्कर लगाते हैं तो बाबू से लेकर अधिकारी तक लगातार पैसे मांगे जाते हैं, यदि पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उनके काम नहीं होते, ऐसा आरोप जनता लगा रही है। बिल्कुल सही बात है, राजस्व में तो भ्रष्टाचारी इनकी सरकार में हमेशा ही रही, और राजस्व की स्थिति ये है कि पटवारी एक छोटी सी किताब बनाने के लिए या कसरा निकालने के लिए एक गरीब किसानों को महीनों चक्कर लगवाते हैं, और महीनों चक्कर लगवाने का कारण ये नहीं है कि काम में कोई लेट है या काम जो है होने में कोई दिक्कत है, सिर्फ इसलिए कि जब वो बार बार चक्कर लगाएगा, बार बार परेशानी खड़ी होगी, तो निश्चित तौर पे वो बात करेगा कि साहब कुछ आप ले दे लो, हाँ तो ले देने वाली बात आ जाएगी, दो दिन में आपको कागज़ मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पटवारियों की यही पोजिशन, तहसीलदारों की यही स्थिति जो है, आपके SDM की, पूरा राजस्व विभाग इस समय भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है, पूरा राजस्व विभाग दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है गरीब किसानों का। हमारे महंगाव जनपद में, महंगाव जो राजस्व विभाग है, यहाँ से अमान 28-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से किसान गरीब तबके का आदमी बेचारा वहाँ से बस से किराया दे के आता है, दिनभरिया मुँह का प्यासा रहता है, उसके बाद शाम को फिर इधर से बस पकड़ के जाता है, वो 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, उसके बाद छोड़ देता है कि भाई क्या करें, फिर वो देखता है कोई दलाल वलाल मिल जाए, तो जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता सिस्टम में हैं वो सिस्टम से उनका काम करा देते हैं, पैसे वैसे लेके देते हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी राजस्व विभाग में चरम सीमा पर। तो अमित दात्रेय जी, आपकी जनता न्यूज पर हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। निश्चित तौर पर राजा भैया, मेरे बाबा जी ने क्षेत्र की 40 साल सेवा करी, 10 साल विधायक रहते हुए सेवा करी, उसके बाद लगातार सक्रिय राजनीति में बराबर बने रहे, लोगों की मदद अपने स्तर पर करते रहे, तो 40 साल से उन्होंने सेवा की, आज 16-17 साल मुझे भी हो गए, तो मेरे पास एक 50 साल, यदि मेरे बाबा जी का अनुभव और मेरा अनुभव जोड़ लिया जाए तो 50 साल का अनुभव है मेरे पास सेवा करते हुए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई गांव या मजरा नहीं जहां पर बाबा जी के पुराने लोग या हमारे लोग ना हों। निश्चित तौर पर निर्विवाद चेहरा हूँ मैं, मैंने कभी किसी का राजनीतिक तौर पर किसी ऐसे
व्यक्ति का मतलब विरोध नहीं किया है, जैसे पार्टी का कभी विरोध नहीं किया है, पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। निश्चित तौर पर आज महंगाव जनता की मांग है कि स्थानीय और निर्विवाद चेहरे, नए चेहरे को टिकट दिया जाए, तो उस कंडीशन में पार्टी निश्चित तौर पर ही चुनाव जीतेगी। यदि कांग्रेस पार्टी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है तो क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है? नुकसान पार्टी 2000 में ये करके देख चुकी है, सन 2000 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया था। निश्चित तौर पर उस टाइम यदि स्थानीय प्रत्याशी होता तो जरूर चुनाव जीत जाता। यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग स्थानीय लोगों को पसंद करते हैं, स्थानीय प्रत्याशी को पसंद करते हैं, जो अपने बीच का हो, सरल हो, लोगों से रोज़ मिलना जुलना हो, लोग जिसकी लोगों की पहुंच जिसके लिए सरल हो, जो लोग उस सरलता से उसके पास तक पहुंच सकें, ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है। निश्चित तौर पे बाहरी का हमारे यहाँ शायद है परिणाम बेहतर ना आएंगे। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लगातार हमारे साथ अमित दात्री जी बने हुए हैं महंगाव विधानसभा से। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अपनी मन की बात क्या कहेंगे, जनता आपको सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? राजा भैया, मैं अपील करना चाहूँगा महंगाव विधानसभा की जनता से कि निश्चित तौर पे कमलनाथ जी, आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री शायद अभी तक मध्य प्रदेश में ना हुआ है ना शायद होगा। इसलिए कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप कमलनाथ जी को वोट करें, कांग्रेस सरकार को वोट करें और कांग्रेस के साथ जाकर लोकतंत्र और संविधान और बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करें। और यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं निश्चित आपसे आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस तरह मेरे बाबा जी ने, मेरे परिवार ने जिस तरह क्षेत्र की जनता की सेवा 40 साल की है, उसी तरह मैं आपके मान सम्मान में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दूंगा और आपके तन और मन और धन सभी से सेवा करूंगा और किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। जिस तरीके से आज बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है, उस तरीके से राजा भैया हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है हमेशा, जब भी हमारी सरकारें बनी हैं तो हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है कि उसके लिए उसके नेता को, विधायक को, सांसद को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कार्यकर्ता की बात हमारे की अधिकारी सुनते हैं और उनको सुनना पड़ती है, क्योंकि हम लोग इतना उनके ऊपर हावी रहते हैं अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर काम करने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता की बात आपको जरूर सुननी पड़ेगी, जायज़ बात को उनकी को कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जन अदालत नीति में फिलहाल इतना ही। हमने तमाम मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा की, महंगाव विधानसभा को लेकर, और बखूबी लगातार सवालों के जवाब भी आप तक पहुँचाए हैं। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो महंगाव विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल हमारे सामने रख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।